क्या मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है? आओ माधव, आओ, मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लो पुत्र, खा लो। मुझे खरोच तक नहीं, मेरी सारी पीड़ा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। सेनापति जी, और कड़ा प्रहार कीजिए इस पर। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, मानता हूं, हृदय से मानता हूं, मेरे प्रभु करुणामयी। अडिग है मेरा विश्वास। प्रभु जगन्नाथ जी ने भक्त का हाथ थामा है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रभु भक्तों की भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होने देते। जो जिसकी योग्य है वो उसे अवश्य प्रदान करते हैं। मुझे प्रभु जगन्नाथ जी में पूर्ण विश्वास है। अब प्रभु ही मुझे नहीं रोकना चाहते तो कदाचित मैं इसी योग्य हूँ। इसलिए प्रभु इच्छा मानकर मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु तोता जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। गदाधर जी, आप ऐसे जड़ क्यों खड़े हैं और आप सभी रो क्यों रहे? आगे बढ़िए गदाधर जी, प्रभु पर विश्वास रखिए और जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभु सदा भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं। तुम उचित कह रहे हो माधवदास, इतने भक्तों का प्रेम, इनका सम्मान, यही तो मेरी भक्ति का पुरस्कार है। मंदिर में आज प्रभु की पूजा सेवा का मेरा अंतिम दिन है, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। प्रभु ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मुझे सहज स्वीकार करना है। प्रभु, आपने जीवन में इतना कुछ दिया है प्रभु, उसका धन्यवाद करने आपके निकट आ रहा हूँ मैं। जय श्री प्रभु जगन्नाथ जी की जय। श्री प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की जय। आज मंदिर में अंतिम बार प्रभु सेवा के लिए जा रहा हूँ। आज तो मंदिर की सीढ़ियां मैं स्वयं ही चढ़ूंगा। प्रभु, क्या ये सत्य है? गदाधर पुजारी की पूजा का अंतिम दिन है। अंत ही आरंभ है, कान्हा की लीला कान्हा ही जाने। जब भक्ति अपने चरम से आगे बढ़ जाए, जब विश्वास अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाए, तब भगवान और भक्त के हृदय और इच्छा एक हो जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता।
विश्वास और अटल हो गया। प्रभु अपने भक्त को कभी निराश होते नहीं देख सकते। देखिए आप सभी, प्रभु का चमत्कार देखिए। वो नहीं चाहते थे कि गदाधर जी उनकी सेवा से दूर रहे। भक्त की आवश्यकता के अनुसार प्रभु ने स्वयं को ही ढाल लिया, स्वयं को बैठने की मुद्रा में परिवर्तित कर लिया। प्रभु की लीला अद्भुत है। सर्वथा उचित कहा बहन सुभद्रा ने। अद्भुत तो भक्तों की भक्ति है दाऊ, उसी से भगवान को भी प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के लिए तो लीला होती है। किंतु ये सब हुआ कैसे? प्रभु बैठ कैसे गए? मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ है। प्रभु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए कि मैं प्राणांत तक आपकी सेवा कर सकूं। ये सब प्रभु ने मेरे लिए किया है। अपने इस परम भक्त के लिए है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है प्रभु कि आपने ऐसी विशेष कृपा के लिए मुझे योग्य समझा। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रभु के लिए भक्त की भक्ति अनमोल है। आज इस सत्य को साक्षी बन हम सभी धन्य हो गए पिताजी। ये प्रभु का संकेत नहीं, आदेश है। आपको आपके जीवन से प्रभु की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु आपके सेवा के इच्छुक हैं। वो भगवान है, जगत के नाथ। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु उन्होंने हम सब की पुकार सुनी, ऐसी विशेष कृपा की, और ये प्रमाणित कर दिया कि वो सदा अपने भक्तों के साथ रहते। आप भी उन्हें और प्रतीक्षा मत करवाइए, आगे बढ़कर पूजा आरंभ कीजिए गदाधर जी। आज से मेरी ये बैठी प्रतिमा तुम्हारे उसी सद्गुण की साक्षी रहेगी। वो सद्गुण जो देह के नष्ट होने पर भी मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। कालांतर तुम्हारे इस सद्गुण को संसार सदा स्मरण रखेगा, इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। विलंब मत कीजिए गदाधर जी, आरती प्रारंभ कीजिए। हम सब आपके द्वारा पूजा आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हो प्रभु गोपीनाथ की।
प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की जय। ऐसे घोर कलयुग में जहां भूल होने पर झुकना तो दूर, अपने बड़ों से क्षमा मांगना भी अपमान लगता है, वहीं प्रभु जगन्नाथ जी गोपीनाथ अपने भक्त के सम्मान में उसके लिए झुक गए और बैठ गए। अब माधव दास को भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया था और प्रभु पर उनका विश्वास भी चरम पर पहुंच चुका था। जब भक्त प्रभु के इतने निकट पहुंच जाए, उन्हें इतना अपना मान ले, तो फिर वो शिकायत तक सीमित नहीं रहता। उस दिन के बाद से माधव दास प्रभु को उलाहना देने लगा, उनसे लड़ने लगा। क्या हुआ? आज भी अपने हाथों से मैं ही खिलाऊं? आप नहीं आएंगे ना आज भी? कोई बात नहीं, सोच लीजिए प्रभु, पूरा का पूरा खा जाऊंगा मैं, और यदि कुछ शेष बचा और मेरा सखा काना आया ना, तो उसे खिला दूंगा। वैसे तो आजकल वो भी नहीं आता। ठीक है प्रभु, नहीं आना है तो मत आइए, मुझे और प्रतीक्षा करवानी है तो करवाइए, इसमें मेरी कोई हानि थोड़ी है। मैं तो खूब मिष्ठान खाऊंगा, आप ही वंचित रह जाएंगे। किंतु मैं आपके समान नहीं हूं, या आपको अपना सखा मानना है तो आपके बारे में सोचू भी नहीं, मैं आपके लिए बचा कर रख रहा हूं। अब ये बिगड़े नहीं, उससे पहले आकर खा लीजिएगा, और हाँ, यदि देरी की ना तो मैं मिष्ठान खिलाऊंगा नहीं, आपको पहचानूंगा भी नहीं, फिर आपको अपनी भूल समझ में आ जाएगी। प्रतिदिन मैं आपके लिए एक तो बचाकर रखता ही हूं प्रभु, क्योंकि क्योंकि मेरे हृदय में मुझे ज्ञात है कि एक ना एक दिन मेरे प्रभु अवश्य आएंगे और आकर मेरा हाथ थाम लेंगे। अब इस अटूट विश्वास के साथ माधव दास अनेकों दिन ही नहीं, अनेकों माह तक प्रतीक्षा करता रहा, प्रभु की भक्ति में खोया रहता, अपने ही घर में प्रभु की पूजा भक्ति में लीन। तैयार करता, प्रभु को भोग चढ़ाने के पश्चात ही स्वयं खाता। ये आपका भाग है,
और ये मेरा। भोजन कितना भी कम क्यों ना हो, वो उसका एक अंश भगवान के लिए अवश्य रखता और ये आशा बांधे रहता कि उसके प्रभु अवश्य आएंगे। और इतना ही नहीं, वो दिन में दो बार प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर भी अवश्य जाता, फिर भले ही बारिश हो या तूफान, वो कभी नहीं रुकता। ना उसे तपती धूप की चिंता थी, ना कड़कड़ाती ठंड की, उसे तो बस अपने सखा, अपने प्रभु के दर्शन से वास्ता था। फिर एक दिन उस पर दृष्टि होने का यहाँ आभास हो रहा है, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। सखा, मुझे ज्ञात है आपकी दया दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहती है, मुझे अटल विश्वास है। चाहे कोई राक्षस भी मेरे पीछे की ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं। संभव है मेरे पीछे आप ही हो प्रभु जगन्नाथ जी, मैं कहाँ रहता हूँ ये जानने के लिए। तो देखिए, यहाँ रहता है आपका भक्त। जिस दिन भी आपको मेरा हाथ थामना हो, आप आ जाइएगा। मेरा ये द्वार आपके लिए आपकी आस में सदा खुला रहेगा। प्रभु, आप यहाँ तक आ गए तो भीतर आ ही जाइए, अतिथि बनकर ही आ जाइए। बहुत सत्कार करूँगा आपका, ऐसे शीत में बाहर ठिठोरने का भला क्या लाभ है। देखिए, आज तो भाग्य अच्छा था, दान में हलवा बनाने की सामग्री मिल गई मुझे। इस भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अब आप ही जाइए भीतर, बाहर क्यों खड़े हैं। लीजिए, अब तो ये हलवा तैयार भी हो गया, अब तक तो इसकी सुगंध आप तक पहुंच भी गई होगी प्रभु। अब आप ही जाइए। लीजिए प्रभु, हलवा का भोग लगा लीजिए। ऐसा आप क्यों करते हैं प्रभु, यहाँ तक पहुंचने के बाद भी भीतर नहीं आ रहे, ये लुका छुपी खेलने में आनंद आता है क्या आपको। रुकिए, वाह वाह वाह, आनंद आ गया। इतने भीषण शीत में गरम गरम हलवा खाने का आनंद ही कुछ और।
अब आ भी जाइए प्रभु, आकर इसका स्वाद तो ले लीजिए। प्रभु अब और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे, भीतर चरण रखी दीजिए। पीछे ये किसकी छाया है? ओह, तो आप आ ही गए। मुझे पता था कि आप मुझसे और प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे, आप आने ही वाले हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। चले गए प्रभु। आप ही थे ना प्रभु, आप आए थे ना, आए थे तो लौट क्यों गए? पात्र खाली कैसे हो गया? हलवा कहाँ गया? अर्थात आप आए भी और खाकर चले भी गए। नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। बस ऐसे आपको हलवा खाकर जाने ही नहीं दूंगा, आपको तो मुझे दर्शन देने ही होंगे। प्रभु सखा, तो ये खेल खेलना ही आपको उचित है। कहाँ गए प्रभु? क्या हुआ प्रभु? आप सुन तो रहे हैं ना प्रभु, अब तो आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। क्या हुआ? न प्रभु कुछ कह रहे हैं, न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है। भक्त धनंजय को भी प्रभु के आभूषणों की ध्वनि से ही ज्ञात हुआ था कि प्रभु उनके पीछे है या नहीं। कदाचित ये भी प्रभु के आभूषणों की ध्वनि हो सकती है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि प्रभु जगन्नाथ जी क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे साथ। सखा बनकर हाथ तो थामा नहीं, किंतु सता रहे हैं मुझे। किंतु मैं भी इतनी सरलता से आपको जाने नहीं दूंगा प्रभु। वाह, भागकर मुझे मंदिर तक ले ही आए आप। प्रभु आप ही है ना जो मुझे सता रहे?
सो रहे आप? यहां भी कोई नहीं है। प्रभु जगन्नाथ जी, ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं आप मेरे साथ? इतने शीत में कितना भगाया मुझे और यहां ले आए। अब तो आ जाइए प्रभु, आकर मेरा हाथ थाम ही लीजिए, मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु, मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु, मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु। भक्त हूं आपका, ये जानते हैं ना प्रभु आप, और भक्त को सताना अच्छा नहीं होता। देखो प्रभु, यदि आप अभी नहीं आए ना तो मैं बहुत रुष्ट हो जाऊंगा। मुझे दर्शन नहीं देने थे तो क्यों आए थे प्रभु? केवल हलवा खाने? हलवा मैंने खाया है, प्रभु ने नहीं। ईश्वर तो पीछे से आ रहे। कौन है आप? सामने आइए। ये कैसी आकृति बढ़ रही है मेरी? वो किसकी आकृति थी वो गजाना? विभीषण की। वीर हृदय की किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई, कैसे ज्योति को दे बोलो नयन स्वयं ही विदाई। क्षमा कीजिए प्रभु, कदाचित इस युग में आपके भक्त मुझे देखकर भयभीत हो गए। राक्षस राज लंकाधिपति के अनुज विभीषण, किंतु गणेश जी, कलयुग में उनका होना कैसे संभव था? और वो प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कैसे उपस्थित थे? प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहां होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधव दास को एक सीख पहुंचाने का उपाय ही था, जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा रूप में पा सके। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जी। संसार में यदि कोई अटूट संबंध है तो वो है भक्त और भगवान का। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहां होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधव दास को एक सीख पहुंचाने का उपाय ही था, जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा के रूप में पा सके। क्योंकि जो माधव दास को चाहिए था वो विभीषण प्रभु जगन्नाथ जी के सखा बनकर पहले ही पा चुके थे। कोई बात नहीं सखा, आप तो मेरे सदा से भक्त रहे हैं, और इतना ही नहीं सदा मेरे भक्तों के भी सहायक रहे हैं। लंका में मेरे भक्त हनुमान भी आपकी ही सहायता से सफल हुए थे, और आज भी आप मेरे भक्तों के हित के लिए तत्पर हैं। आप बस उसे हमारी मित्रता के बारे में बता दीजिए। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है जो मुझ जैसे राक्षस को आप अपना सखा मानते हैं। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है प्रभु, मैं आपके भक्त का अवश्य ध्यान रखूंगा।
भक्त माधव दास, मुझे ज्ञात है आप मुझे सुन सकते हैं। मैं राक्षस राज विभीषण हूँ। मैं राक्षस राज विभीषण हूँ। राक्षस राज, घबराइए मत, मैं राक्षस राज रावण का अनुज हूँ, किंतु वो मेरा भूत था। वर्तमान में तो बस मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और सदा बना रहूंगा। उन्हीं की कृपा से मैं राक्षस राज और दीर्घायु बना हूँ, और आज कलयुग में भी प्रभु श्री राम की भक्ति कर पा रहा हूँ। राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की, राक्षस राज विभीषण की। मैं यहाँ सभी के लिए अदृश्य हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु नहीं, सखा कहो, सखा विभीषण। प्रभु नहीं, सखा कहो, सखा विभीषण। सखा? हाँ माधव दास जी, प्रभु तो मेरे आराध्य हैं, किंतु जब आराध्य अपने भक्त को सखा का स्थान दे दें, तो हृदय तो और गौरव से भर जाता है और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। प्रभु श्री राम, आप तो प्रभु हैं मेरे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। लंकाधिपति के सिंहासन पर बैठकर मैं सदा सच्चाई के पथ पर चलूं, धर्म की स्थापना करूं। सदा से आपने धर्म का पालन किया है और भविष्य में भी करेंगे। आप राक्षस राज सभी राक्षसों के लिए आप उदाहरण बनेंगे, और जो भी धर्म का पालन करेगा कालांत तक उसके सहायक बनेंगे आप। मैं आपको चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद देता हूँ सखा। प्रभु ने जो आशीष दिया उसी कारण त्रेता से कलयुग तक मैं जीवित रहा, किंतु वो समय मेरे लिए सबसे कठिन था जब मैंने सुना प्रभु श्री राम जल समाधि लेने वाले हैं। मुझे लगा उनके दर्शन की आस में ही मेरे जीवन की स्वास है, वही मिट जाएगी तो चिरंजीवी होने का वरदान कहीं मेरे लिए अभिशाप ना बन जाए, इसीलिए मैं उनसे भेंट करने गया। प्रभु, आपको विदा लेना ही था तो मुझे चिरंजीवी का वरदान क्यों दिया आपने? ये जानकर कि आप अपने इस रूप में धरती पर नहीं रहेंगे, जैसे आपके बिना प्राण निकल रहे हैं प्रभु, मैं आपके बिना जीवित कैसे रह सकूंगा? भक्त के प्राण तो उसके भगवान में रहते हैं ना प्रभु, तो आपके बिना मेरे जीवन का क्या लाभ? दुखी मत होइए सखा विभीषण, सखा है ना आप मेरे, तो मैं भला अपने सखा को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? सखा तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, सखा तो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। सत्य है प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में रहेंगे, किंतु मेरा हृदय तो सदा आपके दर्शन का प्यासा रहता है। सागर से गहरी दरस की प्यास बुझाऊं कैसे? हे जगत के नाथ, आपको बिसराऊं कैसे? समय समय पर मैं आपके दर्शन करने चला आता था प्रभु, किंतु जब आप चले जाएंगे तो यह कैसे संभव होगा? प्रभु, आपकी कृपा से राक्षसों का उद्धार तो हो ही चुका है, तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपका कार्य अभी कहाँ संपन्न हुआ? आपको तो अभी बहुत कुछ करना शेष है सखा। आपको तो अभी बहुत कुछ करना शेष है सखा। सखा, मेरे दर्शन पाने की आपकी यह आस द्वापर और कलयुग में भी पूर्ण होगी। द्वापर युग में मैं अपने पूर्ण अवतार कृष्ण रूप में आऊंगा, और कलयुग में
मैं अपने भक्तों के लिए चार प्रमुख धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम में स्थित रहूंगा। जगन्नाथपुरी धाम में स्थित मेरे जो भी भक्त मेरे इस पावन धाम की यात्रा करेंगे, आपका दायित्व उनकी सहायता करना होगा। और जगन्नाथपुरी लौकिक धाम तो कलयुग में ही स्थापित होगा, इसीलिए अभी आपके जीवन के प्रयोजन का अंत नहीं हुआ है सखा विभीषण। प्रभु, आपके भक्तों की सेवा आपकी सेवा है प्रभु, उनके माध्यम से अपनी सेवा का अवसर देकर आपने मुझे जीने का कारण दे दिया है प्रभु। लौकिक जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना होते ही मैं वहां प्रतिदिन अवश्य जाऊंगा और आपके भक्तों की सेवा का परम सुख प्राप्त करूंगा। सखा का स्थान चरणों में नहीं, सखा के अंक में होता है। एक भक्त ही दूसरे भक्त के मनोभाव को समझ सकता है, मुझे ज्ञात है आपको भी आभास हुआ होगा। वो पल जब प्रभु ने मुझे अपने अंक में भर लिया था, बहुत अद्भुत था वो क्षण। और उस दिन से मैं प्रभु जगन्नाथ के लौकिक धाम के अस्तित्व में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर प्रभु जगन्नाथ जी के पूरे मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु को दिए वचन के अनुसार मैं प्रत्येक रात यहां आकर प्रभु के भक्तों की सेवा करता रहा हूं। प्रभु के भक्तों की सेवा करने में जो आनंद आता है वो किसी और काज में नहीं आता। सत्य तो ये है कि आज स्वयं प्रभु ने मुझे स्मरण कर अपने भक्त की सहायता करने का आदेश दिया है। ये भगवान का भक्त ही नहीं, तुम्हारी भांति बहुत ही विलक्षण भक्त है। भोला भक्त जी, अब तो यहां का कार्य संपन्न हुआ, चलो चलते हैं अब। नहीं नहीं मित्र, तुम सभी जाओ, मैं एक बार और देख लेता हूं कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अरे एक पुष्प ही तो है वहां, उससे क्या होता है भोला भक्त। चलो अगर मुख्य पुजारी जी आ गए तो उलाहना देंगे कि हम प्रभु के काम में इतना देरी लगा रहे हैं। उलाहना सह लूंगा मैं, किंतु प्रभु के कार्य में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। और एक मुरझाया हुआ पुष्प भी तो प्रभु को कष्ट दे सकता है ना। उचित ही है तुम्हारा नाम, भोला भक्त, भोले ही हो तुम। चलो। भोला हूं तो क्या हुआ, प्रभु का भक्त हूं। आप बुरा मत माने प्रभु, मेरा उपवास कर इन सभी का मनोरंजन हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपके मंदिर की स्वच्छता में मैं तनिक भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी मुझे तो बस आपके कार्यों में ही आनंद आता है। पिताजी, क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता है ना इस समय मैं प्रभु के कार्य में व्यस्त रहता हूँ। पिताजी, मैं आपको ही स्मरण कराने के लिए आया हूँ। आप मेरे पिछले 2-3 जन्मदिन से जनेऊ संस्कार की बात तो कर रहे हैं पर उसको टाल रहे हैं। मेरे सभी मित्रों में बस मैं ही अकेला रह गया हूँ। कल मेरा 11वां जन्मदिन है। अब बताइए, मेरा कल जनेऊ संस्कार होगा ना? तो तय है ना? हाँ तय है, तुम्हारा जनेऊ संस्कार अवश्य होगा। गणेश जी, ये जनेऊ संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत अर्थात
जनेऊ संस्कार सनातन धर्म का प्रतीक है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्र सहजं पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। कच्चे धागे से बने जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र में 3-3 तार होते हैं। इस प्रकार कुल 9 तार होते हैं। ये 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ देवगण, ऋषिगण और पितृगण के प्रतीक हैं। जनेऊ सतो, तमो और रजो को नियंत्रण में रखता है। इसे बाएं कंधे पर धारण किया जाता है। इसे धारण करने से उदर रोग, मूत्र इंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव होता है। पिताजी, आपने जगन्नाथ जी के सामने कहा है तो इस बार टालने का कोई भी उपाय मत ढूंढना। मैं अपने मित्रों को कहने जा रहा हूँ। पुत्र, प्रभु, मैंने अपने पुत्र को वचन तो दे दिया, किंतु मैं अपना वचन कैसे निभाऊंगा? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इतना धनी कहाँ हूं। मुझे तो कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। किंतु प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगा। बस मुझे अच्छा सा बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस बार तुम्हें कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी भोला। तुम्हें अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए जो भी चाहिए वो आज तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, आपका स्वर सुनकर तो धन्य हो गया, किंतु प्रभु, इतने छोटे से कार्य के लिए आप कष्ट क्यों करें? आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं अपने पुत्र के जनेऊ संस्कार के लिए धन जुटा सकूं। वो सौभाग्य तो तुम अपनी सेवा भाव से अर्जित कर चुके हो वत्स। धन अर्जित करना पुण्य कमाने से कहीं अधिक सरल है, और जितना पुण्य तुम कमा चुके हो, धन अर्जित करने के लिए उसके एक छोटे से भाग की ही आवश्यकता है। इसलिए रात तक प्रतीक्षा करो। मेरे भक्त विभीषण आएंगे और जितना धन तुम्हें चाहिए तुम्हें उनसे प्राप्त हो जाएगा। आपके भक्त की सेवा आपकी सेवा है प्रभु। आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। क्या हुआ, रात भर भी विश्राम नहीं करोगे क्या? अभी भी क्या यही रहकर कार्य करते रहना चाहते हो बोला भक्त? तो क्या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? किसकी, कौन आने वाला है? ये तो प्रभु श्री जगन्नाथ ही जाने, किंतु कोई आएगा अवश्य। प्रभु ने कहा है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार में सहायता के लिए कोई अवश्य आएगा। क्या कहा, प्रभु ने कहा था? वास्तव में भोले हो या भोलेपन का स्वांग करते हो? तुम्हारी ये आशा निराशा में ना बदल जाए और तुम्हारी इस मूर्खता का मूल्य तुम्हारे पुत्र को ना चुकाना पड़ जाए। इसीलिए कहता हूं चलो यहां से। वो आस निराशा में नहीं बदलेगी, प्रभु ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। वो भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे। अच्छा, उचित है। प्रभु ने धन भेजा भी ना तो उसका एक भाग यही रख देना मंदिर में, जिससे हमें प्रमाण मिले कि तुम सत्य कह रहे हो और हम तुम्हारा अविश्वास कर मूर्खता कर रहे हैं।
प्रभु, मैं सभी की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये मुझे भोला भक्त कह के पुकारते हैं, किंतु भोले तो स्वयं यही हैं, जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप मेरे लिए सहायता भेजने वाले हैं, क्योंकि मैंने उस योग्यता की अर्जित की है। भोला भक्त, तुम वास्तव में प्रभु कृपा के योग्य हो। ये कौन है? क्या आप असुरराज विभीषण हैं? हाँ भोला भक्त, भय मत करो, मैं यहाँ प्रभु की इच्छा से ही आया हूँ। ये रखो। इसकी तुम्हें आवश्यकता है? नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रभु के आशीर्वाद और उसकी सेवा की चाह है। किंतु हाँ, ये अवश्य है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार की व्यवस्था में ये सहायक बनेगा। तो इसे लेने में संकोच मत करो, ये खरा शुद्ध स्वर्ण है, यज्ञोपवीत के लिए पर्याप्त होगा। ये ले लो, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु, इस स्वर्ण के करे का ये भाग सदा यही रहने दीजिएगा, जिससे सबको ये ज्ञात हो जाए मैं इतना भोला भक्त हूँ आपका, जो आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, और आप करुणामयी हैं, जो भक्तों को अपनी भोली भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं। विभीषण जी, यह इस बात का प्रमाण होगा कि प्रभु के संकेत पे आप यहाँ आए थे और प्रभु के भोले भक्त की सहायता कर रहे। इस प्रकार प्रभु के आदेश और उनके आशीर्वाद से मैं प्रभु के उन भक्तों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ जो धर्म पथ का पालन कर रहे हैं। और आज जब मैं लौटने वाला था तो तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम प्रभु के विलक्षण भक्त हो। भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अब आप ही जाइए भीतर, बाहर क्यों खड़े हैं? लीजिए प्रभु, हलवा का भोग लगा लीजिए। आनंद आ गया, इतने भीषण शीत में गर्म गर्म हलवा खाने का आनंद ही कुछ और। प्रभु, आप और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे, भीतर चरण रख ही दीजिए। जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारी निर्मल भक्ति को देखा, प्रभु से अपने सखा रूप में आने के लिए कहते देख मैं बहुत आकर्षित हुआ, और वहां रखा हलवा प्रसाद देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारा खा लिया। मैं तुम्हारी दृष्टि से बचकर निकल तो गया था, किंतु फिर जब मैंने ये देखने के लिए भीतर झांका कि मेरे हलवा खाने से तुम क्रोधित तो नहीं हुए, तब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी और तुम मेरा पीछा करने लगे। फूरे आप। तब तुम मेरा पीछा करते करते यहां पहुंच गए और मैं छिप गया, किंतु फिर मैंने सुना
तुम तो प्रभु को उलाहना दे रहे हो कि हलवा खा भी गए और फिर दर्शन भी नहीं दिए। तब मुझे सामने आना पड़ा जिससे तुम्हें सत्य ज्ञात हो सके। किंतु मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता था। भयभीत मत हो भक्त माधवदास, मैं तो प्रभु का एकमात्र सेवक हूं। मैंने तुम्हें ये सब कुछ सुनाया जब तुम अचेत थे, इसलिए कदाचित तुम समझ नहीं सके। किंतु चिंता मत करो, जब तुम्हारी चेतना लौट आई है तो ये घटना फिर से विस्तार से मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं हूं राक्षस राज लंकेश विभीषण। लगता है तुमने सुन लिया। सुना ही नहीं, मुझे तो लगा जैसे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तब तो अवश्य ही प्रभु की ये लीला है। अपने भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। किंतु प्रभु जगन्नाथ जी तो आपको अपना सखा मानते हैं। ये तो प्रभु की कृपा और उनकी महानता है जो अपने भक्त को सखा माना है। प्रभु के सखा से भेंट कर आनंद विभोर हो गया। आनंद तो मुझे भी हुआ है प्रभु के ऐसे भक्त से मिलकर जो उन्हें सखा रूप में पाना चाहते हैं। हाँ विभीषण जी, मेरी तो यही परम इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले। किंतु अब मुझे अपने भाग्य पर संदेह होने लगा है कि मुझे ये सौभाग्य मिलेगा या नहीं, मैं इस योग्य हूं भी या नहीं कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थामकर मुझे सखा पुकारे। शंका छोड़ दो माधवदास, प्रभु के अनंत करुणा सागर का अनुमान लगाना कठिन है, किंतु उसका उदाहरण आपके सामने है। मैं असुर हूँ, प्रभु के शत्रु का अनुज हूँ, किंतु फिर भी मुझे प्रभु ने अपना सखा बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम भी उनके प्रिय भक्तों में से एक हो। आपको कैसे पता कि मैं उनका प्रिय भक्त हूँ? जगन्नाथपुरी में रहने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनके पावन धाम में रहने वाले, उनके इतने निकट का स्थान पाने वाले भगवान के प्रिय भक्त ही हो सकते हैं। हाँ विभीषण जी, ये तो आपने उचित कहा। जब से मैं यहाँ आया हूँ, प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर, कोड़े मुझ पर बरसे, कष्ट उन्होंने सहा। ऐसा तो एक सखा ही करता है अपने सखा के लिए। तो आपका अर्थ है कि प्रभु मेरी मित्रता स्वीकार कर चुके हैं? मेरा दृढ़ विश्वास है माधवदास। तो वो अपने सखा को सता क्यों रहे, आकर मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते? सत्य को तुम्हें पहचानना है माधवदास, समझना है उसे। प्रभु ने पहले से ही तुम्हारा हाथ थाम रखा है। हाँ, ये तो सत्य है, किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके, जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके, मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले, मार्गदर्शन मिले, एक सच्चे सखा की भांति बिना राग बिना द्वेष हम एक साथ भोजन का आनंद ले, मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे और मैं हूँ मेरे हर एक सुख दुख में मेरे पास रहे। मैं भी अपने सखा के साथ ये सब करना चाहूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु को भी तुम्हारे साथ इस प्रकार सखा के समान सब कुछ साझा करने में बहुत आनंद आएगा। आओ
प्रभु की पूजा करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। ओम जय नारायण हरि स्वामी जय दीनानाथ हरि सुर सब ध्यावे सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरि। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे स्वामी अपने हस्त बढ़ाओ आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरि। इस प्रकार असुर राज विभीषण प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की यात्रा करते। उन्होंने तो प्रभु के लिए एक स्तुति भी रची जिसे विभीषण वंदना कहा जाता है और जो अब प्रभु के जगन्नाथ मंदिर की परंपरा का अभिन्न अंग है और सदा रहेगा। किंतु भक्त माधवदास का क्या हुआ खजाना? सखा समान प्रभु के साथ समय बिताने की उनकी इच्छा पूर्ण हुई क्या? मनोकामना सच्चे भक्त की हो तो वो जगन्नाथ जी के द्वार पर आने के पश्चात अधूरी कैसे रह सकती है भला? प्रणाम प्रभु। अपने इस भक्त का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण जी आपको अनेकों धन्यवाद कि आपने मुझे यह आभास करवाया कि प्रभु ने मुझे सखा के रूप में स्वीकार कर लिया है। और बस इतना और बता दीजिए विभीषण जी चले गए। अब लगता है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी आपसे ही मिलेगा प्रभु। अब आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं? ये जानकर कि आपने मुझे अपना सखा मान लिया है मुझसे रहा नहीं जा रहा प्रभु। मैं व्याकुल हूँ आपके दर्शन पाने को एक पल भी आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा और यदि कहीं गया भी वो भी मेरे पाँव लौट कर वापस आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए प्रभु जब तक आप आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते मुझे यहाँ अपने सामने बैठने की अनुमति दीजिए। आप चिंता मत कीजिए पूरा समय लीजिए आप मैं बस यही बैठा रहूँगा आपके चरणों के सामने। नहीं 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 ये मेरा हट नहीं है प्रभु क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना और मैं ये आपको विवश करने की इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ इसलिए इस बार हट नहीं व्रत करूंगा। क्योंकि आपने कहा था कि भक्ति भावी वास्तविक पूजा है और व्रत भी तो मेरे इस भक्ति भाव को स्वीकार कर लीजिए ना प्रभु और फिर यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ आकर मेरा हाथ थाम लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए सखा। मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए सखा। यामस्तो व्यस्वपिते हरो कमल जो हन्तुं मधुं कैटभं। सच्चे और सरल व्यक्ति की सहायता और सेवा ही भगवान की वास्तविक सेवा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
ये मेरा हट नहीं है प्रभु, क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना, इसलिए इस बार मैं हट नहीं व्रत करूंगा। कान्हा, तुम्हारा ये भक्त माधवदास कहीं पुनः उसी रूप में तो वापस नहीं आ जाएगा ना, जैसे हट करके मंदिर के बाहर भूखा प्यासा बैठ गया था? नहीं दाऊ, चाहता तो ये अब भी वही है जो तब चाहता था, किंतु अब ये वो हठी माधवदास नहीं रहा। नहीं नहीं, यदि यहां बैठा तो आपके भक्तों को आपके दर्शन पाने में कष्ट होगा, तो कोई बात नहीं, यहां नहीं, थोड़ा पीछे होके बैठ जाता हूं। हाँ, यहां भी बैठना उचित नहीं होगा, मंदिर के बीचों बीच आने वाले भक्तों का ध्यान भटकेगा। यहां भी बैठा तो प्रभु के एक भक्त का स्थान ले लूंगा और वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, और पता नहीं प्रभु को मेरा हाथ थामने में कितना समय लगेगा। मैं एक कार्य करता हूं प्रभु, मैं बाहर जाकर आपकी प्रतीक्षा करता हूं। चिंता मत कीजिए, मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा, जिससे आपको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं अभी भी आपकी प्रतीक्षा में हूं। प्रभु, मैं इस स्थान पर ये संकल्प लेता हूं कि आपके प्रति पूर्ण भक्ति भाव से मैं अन्न त्याग कर आपका नाम तब तक जपता रहूंगा जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते, जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। ये अब पुराने माधवदास नहीं है। हाँ महाराज, हठी माधवदास अब ज्ञानी माधवदास बन चुके हैं। पुजारी जी, शीतकाल आ चुका है, मैं प्रभु जगन्नाथ जी के लिए कुछ कंबल लाया हूँ। आइए महाराज, चलिए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। इतनी ठंड में तो सब घर के भीतर छिप जाते, इस प्रकार की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तुमने उचित ही कहा था गाना, इस बार हट नहीं बल्कि इसमें बस भक्ति ही दिखाई दे रही है मुझे। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। मैं कंबल ओढ़कर रहूं और मेरा सखा ठंड में ठिठुरता रहे, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं। तो अब समय आ ही गया। आपत्काले सम प्राप्ते ये मित्रम मित्रमेव तत्तनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय।
कान्हा के कहने का तात्पर्य है कि समय आने पर जो मित्र साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। अंततः माधव के जीवन में वो अद्भुत दिव्य पल अब आने ही वाला है जब प्रभु स्वयं अपने भक्त का हाथ थामेंगे और इस अलौकिक क्षण के आनंद से धरती ही नहीं देवलोक भी आनंदित होगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। हाँ सखा। प्रभु आगे विश्वास नहीं होता। बस ये स्वप्न ना हो, ये सत्य हो। मेरे सखा मेरे पास आ गए। मेरी सखा मेरे पास है। आप ही है ना प्रभु जगन्नाथ जी? हाँ माधव दास, मैं ही। हाँ माधव दास, मैं ही। स्वयं देख लो। सका, किंतु तुम तो कान्हा हो। तुम इस प्रकार मेरा प्रयास क्यों कर रहे हो कान्हा?
मेरे भक्ति भाव के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। नहीं सखा, ये ना परिहास है ना खिलवाड़। अच्छा कैसे? मेरा संकल्प तो भंग कर दिया ना तुमने। संकल्प भंग नहीं हुआ है, संपन्न हुआ है। ये मैं ही नहीं हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारे प्रभु। मैं ही आया हूं तुम्हारा हाथ थाम के। नहीं नहीं कान्हा, तुम मुझे ठंड से बचाना चाहते हो, मैं समझता हूँ। तो मैं प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति किसी भी अवस्था में करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए तुम मुझे मनवाने का प्रयास मत करोगी, तुम ही मेरे प्रभु। किंतु मैं तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता सखा। मैं ही हूं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा सखा। बस भी करो कान्हा। माधव दास, अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं ही हूं तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा सखा और तुम्हारा जगन्नाथ भी। बस करो कान्हा और परिहास मत करो। बहन सुभद्रा, आज प्रथम बार मैंने कान्हा को एक ऐसी स्थिति में उलझे देखा कि कदाचित इस उलझन को सुलझाने के लिए उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखो मुझे, पहचानो मुझे। मैं ही तुम्हारा जगन्नाथ हूँ, तुम्हारा आराध्य। तुम इतनी दूर से मुझसे ही भेंट करने आए हो। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। प्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र धारण कर लेने से, उनकी वेशभूषा अपना लेने से तुम जगन्नाथ जी थोड़ी बन सकते हो, और वो ऐसे थोड़ी दिखाई देते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी तो क्या माधव दास, कैसे दिखाई देते हैं तुम्हारे प्रभु? प्रभु जगन्नाथ जी तो कहो, संकोच मत करो। कैसे बताओ, उनके दर्शन कहाँ प्राप्त हुए मुझे? नहीं माधव दास, ये सत्य नहीं। तनिक स्मरण करो, क्या बचपन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे? क्या तुम्हें लगता है कि वो मात्र एक स्वप्न था? अपने अंतर मन की आंखें खोलो, पहचानो मुझे माधव दास। नहीं, मुझे भ्रमित कर रहे हो कान्हा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा सका। तुम्हारे पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारी माता के रूप में मैंने ही तुम्हारा हाथ थामा। फिर जब तुम्हारी माता का संसार से जाने का समय आया तो तुम्हें तुम्हारा अग्रज मिले, ये भी सुनिश्चित करने वाला मैं ही था। फिर जब उन्होंने सन्यास लिया तो तुम्हें श्रेष्ठ अर्धांगिनी मिले, ये विचार भी उनके मन में देने वाला मैं ही था। स्मरण करो, जब तुम पहली बार अपनी पत्नी से मिलने नीलांचल आए थे तब क्या तब तुम्हें मेरा आभास नहीं हुआ था? फिर स्त्री संगीत, जब तुम वहां पाए गए थे तो मैंने ही तुम्हारी पत्नी को प्रेरित किया था, तुम्हें भविष्य के लिए सजग करने के लिए। तो फिर किस कहां था वो मैं, जिनके जाने की पीड़ा ना सहनी, उनका जो आदि है और अनंत भी, कौन है वो, है वो और कौन कौन? तुम्हारी पत्नी की वाणी को मैंने ही शब्द देकर यहाँ जगन्नाथपुरी में आने का सुझाव दिया था। तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा सका।
जब तुम यहाँ पहुँचे और तुम्हें मुझ पर विश्वास न था, तो मैंने ही भैया बलभद्र को मेरा परिचय देने के लिए तुम्हारे पास भेजा। माधवदास, कान्हा के कहने पर ही मैंने तुम्हें जगन्नाथ मंदिर की महिमा का वर्णन सुनाया था। हाँ भैया। और आप जब भूखे थे तो भैया श्री जगन्नाथ जी के ही इच्छा अनुसार मैं आपके लिए महाभोग लेकर आई थी। और जो माता मेरे साथ थी वो और कोई नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी जी थी। माता लक्ष्मी? हाँ पुत्र। आदि लक्ष्मी नमस्ते, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु, पर ब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ही रुक्मिणी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है माता दास? ही होता है जब भक्त अपने भगवान से मिलने को आतुर होते हैं और भगवान उनके समक्ष हों तो वो उन्हें पहचानने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो अंतर मन की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ध्यान से देखो मुझे माधवदास, पहचानो मुझे। सुनो माधवदास, इधर देखो, मैं केवल तुम्हारा जगन्नाथ ही नहीं, विभीषण और तुलसीदास का श्री राम भी हूँ। विभीषण और तुलसीदास का श्री राम भी हूँ। संपूर्ण जगत का नाथ, जयम जगन्नाथ भी। मैं ही संपूर्ण जगत का नाथ, जयम जगन्नाथ भी।
संपूर्ण जीवन जिसका विस्तार है, जगत में जो आत्मा बनकर सब जीवन में व्याप्त है, वो भवभूत आत्मा मैं ही नहीं, मैं ही भूत भव्य भवत प्रभु, वो जो भूत भी है, जो वर्तमान भी है और जो भविष्य, सब में मैं ही है। जो संपूर्ण विश्व के कण कण में है, वो विश्वम विष्णु भी मैं ही हूं। मैं तो आपको तभी पहचान गया था जब आपने मुझे मेरे बचपन के स्वप्न का स्मरण करवाया था, किंतु कुछ कह नहीं पाया। आपने मुझे विश्वास दिलाने के लिए आपके विश्व रूप के दर्शन का सौभाग्य दिया मुझे। आपके परम परमेश्वर विश्व रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो प्रभु, मैंने तो आपसे एक ही आशा रखी थी, इतना ही चाहता था कि आप सखा रूप में आकर मेरा हाथ थाम लें, ऐसे सखा जो कभी मेरा साथ ना छोड़े। हाँ, मैं भी सखा के रूप में तुम्हारा हाथ थाम नहीं आया। सखा का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। सदा सखा बनकर मेरे साथ ही रहे। जब मैं कष्ट में था तो वो कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया या मेरी सहायता के लिए किसी को भेज दी, और अब सबके सामने मुझे अपने अंक में ले लिया। किंतु अब तक आपने मेरा हाथ नहीं थामा। विचित्र भक्त है ये, इसके भगवान ने इस पर इतनी कृपा की फिर भी ये संतुष्ट नहीं। हे कृपा निधान, अपनी कृपा से जीवन भर दीजिए मेरा, थाम लीजिए मेरा हाथ जिस पल की मैं इतने समय से प्रतीक्षा करता आ रहा हूं, वो मुझे प्रदान कर दीजिए। प्रभु, थाम लीजिए मेरा।
अंततः माधव दास को उसके सखा का साथ मिल ही गया। अद्भुत। उचित कहा आपने, ऐसी अद्भुत ही होती है भक्ति की शक्ति, जिससे भगवान संरक्षक बनते हैं, गुरु बनते हैं और एक सखा रूप में अपने भक्त के लिए साक्षी भी बनते हैं। क्या भक्त और भगवान के भेंट के बाद उन दोनों के संबंधों में कोई बदलाव आया? भगवान ने भक्त को सखा बनाया था तो समय के साथ इस मित्रता का रंग और गाढ़ा ही तो होना था। इस अद्भुत मित्रता का संबंध और घनिष्ठ होता गया और उस रात माधव दास ने अपने सखा से जो आशाएं की थी वो सब पूरी हुई। किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि वो मेरे मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके। क्या हुआ सखा, आज तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो, ऐसा लगता है तुम्हारे पाँव में पर लग गए हैं। जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। किंतु सखा ये तो बताओ, तुमने अपनी इस पोटली में क्या रखा है? पोटली में अधिक कुछ नहीं, ये तो बस। तो फिर मुझे देखने दो इसमें क्या है। सखा अधिक कुछ नहीं, उसमें थोड़े भुने हुए चने हैं जो कल दान में मिले थे। तो अब ये चने मेरे हुए, मैं इसे खाऊंगा। सच्चे सखा की भांति बिना राग बिना द्वेष हम एक साथ भोजन का आनंद ले। मेरे ऐसे सखा बने जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके, मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले। ये इच्छाएं तुम्हारी ही नहीं सखा, मेरी भी थी। मित्र और चित्र में यदि प्रेम और विश्वास का रंग हो तो वो सुंदर बन ही जाते हैं। जितने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास, प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतने शांति से सो सके हो। किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? ये तो महाराज द्वारा प्रभु को चढ़ाया वस्त्र है, कहीं इसने चोरी तो नहीं की? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक व्यक्ति को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।